गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं हम। तो कल हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन स्टार्ट किया था, उसको आज कंप्लीट भी करेंगे और कोशिश मेरी है कि चैप्टर पूरा ही आज कंप्लीट हो जाए। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है? क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में या क्रोमोजोम के नंबर में जो चेंज आ जाता है उसे हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। और क्रोमोसोमल एब्रेशन होने से जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर नए चेंजेज आ जाते हैं। कई बार कुछ डिजीजेज भी क्रोमोसोमल चेंजेज की वजह से हो जाती है। तो टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चरल क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चार टाइप हैं। फर्स्ट है डिलीशन।
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन में क्रोमोजोम का कोई सेगमेंट या कोई पार्ट चेंज हो जाता है, उसे हम स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन कहते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है डिलीशन। डिलीशन के अंदर सपोज करो बच्चों, ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, ये सेंट्रोमियर है, और ये जो है ए बी सी डी ई, इनके जीन या एलील कह सकते हैं, एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब डिलीशन का मतलब ये होता है कि क्रोमोजोम का कोई सेगमेंट या कोई पार्ट रिमूव हो गया, डिलीट हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं। तो अगर ये एंड से होता है, किसी किनारे से होता है, एंड से होता है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। यहाँ देखिए ए और बी यहाँ का हट गया है, डिलीट हो गया है, तो इसे कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। और अगर बीच में से इन एलील या जीन के बीच में से कोई पार्ट डिलीट हो जाए, जैसे कि ए फिर सी डी गायब है, फिर डी ई एफ जी एच आई जे, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल डिलीशन। डायग्रामेटिकली तैयार कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लेते हैं हम इनवर्जन। इनवर्जन हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सेकंड टाइप है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर किसी क्रोमोजोम का कोई पार्ट या सेगमेंट वहां से हट जाए और किसी दूसरी जगह चला जाए, दूसरी जगह उसी क्रोमोजोम के दूसरे पार्ट में अगर ऐड हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, इन्वर्जन दो तरीके का है। ये बच्चों सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर के एक तरफ, सेंट्रोमियर के एक तरफ ही ऐसा हो रहा हो, जैसे कि ए फिर यहाँ से बी सी हट गए और यहाँ आ गए, और ई डी का डी ई का पार्ट यहाँ आ गया, तो
तो सेंट्रोमियर के एक तरफ हो रहा है, सेंट्रोमियर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और यहां देखिए आप, इसमें क्या है कि ए बी सी डी यहां से आ गया सेगमेंट यहां पर, ठीक है, और यहाँ का एच आई चला गया यहाँ पर, यानी कि सेंट्रोमियर को इंक्लूड करके ये जो है चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या कहते हैं? पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब है क्रोमोजोम का कोई सेगमेंट या पार्ट जो है वो अगर चेंज हो रहा है अपने प्लेस से, तो उसे हम पेरिसेंट्रिक मतलब इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट दो टाइप और बचे हैं, एक तो है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि क्रोमोजोम में कोई सेगमेंट या कोई पार्ट अगर वापस से रेप्लीकेट होकर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम फिर कहते हैं डुप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्रोमोजोम है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पर ये एलील है, तो यहाँ पर ये सी डी ई का पार्ट रिपीट हो रहा है। देखिए दोबारा अगले नेक्स्ट क्रोमोजोम में देखिए, आपको ए बी सी डी ई, यानी कि ये सेगमेंट फिर से रिपीट हो रहा है एफ जी एच आई, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए लास्ट है स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम में, लास्ट पार्ट बचा है अब फोर्थ, वो है ट्रांसलोकेशन।
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या है, सपोज करो ये दो क्रोमोजोम है नॉन होमोलोगस है, सिमिलर नहीं है, ये इनका सेंट्रोमियर है। यहाँ पर जो एलील है ए बी सी डी ई एफ, फिर सेंट्रोमियर, फिर जी एच आई जे के एल, फिर यहाँ आ जाते हैं। इसमें एलील है एम एन ओ पी क्यू आर, ये सेंट्रोमियर है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हमने नाम दिए नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि क्रोमोजोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, या एक क्रोमोजोम का जो सेगमेंट है दूसरे क्रोमोजोम के जाके अटैच जाता है, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इन दोनों क्रोमोजोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, क्रॉसिंग ओवर के समय होता ही है। तो जो यहाँ ए बी सी थे वो यहाँ आ गए, और यहाँ एम एन ओ जो थे एम एन ओ वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो एम एन ओ डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और यहाँ देखिए ए बी सी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो ये क्रोमोजोम का जो सेगमेंट का एक्सचेंज है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक और टाइप है कि अगर मान लो यहाँ का जो पार्ट है डिलीट हो जाए, ये हो गया डिलीट डिलीशन, और वो जो डिलीटेड पार्ट है वो यहाँ ऐड हो गया है दूसरे क्रोमोजोम के, जैसे कि एम एन ओ, फिर ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर सेंट्रोमियर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल ट्रांसलोकेशन। इंटरस्टीशियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए फटाफट से न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल खुल के समझ में आ रहा है, आसान है। न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन बहुत सिंपल है बच्चों, ये जल्दी कवर हो जाएगा, ये आज ही कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, ठीक है। न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन, इसमें देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी जीनोम, बच्चों यूप्लॉइडी क्या है बच्चों, हमारे अंदर जीनोम, जीनोम को मैं अगर यूं समझाऊं कि जो क्रोमोजोम में दो दो स्ट्रैंड है उसका एक स्ट्रैंड को हम जीनोम कहेंगे, या हैप्लॉइड सेट को, क्रोमोजोम के हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं। तो हमारे अंदर दो हैप्लॉइड सेट होते हैं, दो हैप्लॉइड जीनोम सेट होते हैं जो कि कंप्लीट क्रोमोजोम का सेट बनाते हैं। हमारे अंदर 2n बराबर, 2n बराबर 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और 2 × एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, हैप्लॉइड को शो करता है, 2 × 23 बराबर 46। तो यहाँ पर एन क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ, एन इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो 2n बराबर 46, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं। यूप्लॉइडी क्या है,
कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जीनोम का पूरा सेट कम हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है, मान लो किसी में 44 क्रोमोजोम है टोटल, तो 22 क्रोमोजोम के पेयर हो गए, तो अगर उनमें 44 की जगह 22 क्रोमोजोम रह जाए, या फिर 44 की जगह 22 क्रोमोजोम और बढ़ जाए, 66 क्रोमोजोम हो जाए, तो जीनोम का पूरा सेट कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर कम हो रहा है, अगर क्रोमोजोम का पूरा सेट, जो जीनोम का सेट है हैप्लॉइड सेट, वो कम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। और अगर ये बढ़ रहा है, एक पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है, जैसे कि 3N, 4N, 5N, 6N, प्लांट्स में गेहूं की कई ऐसी ब्रीड डेवलप की गई हैं जिनमें 6N तक जो है जीनोम सेट होते हैं, ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए तो इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, जैसे कि 3N, 4N, 5N, 6N। ओके बच्चों, जनरली 2N हम लिख के करते हैं, 2N बराबर इतने क्रोमोसोम, तो इसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एन यूप्लॉइडी। एन यू प्लॉइडी, एन यू प्लॉइडी, एन यू प्लॉइडी को ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें फर्स्ट हम लेते हैं हाइपो प्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी में भी फर्स्ट है मोनोजोमी, मोनोजोमी, और सेकंड है नलीजोमी। सेकंड हम लेते हैं हाइपर प्लॉइडी, हाइपर प्लॉइडी, हाइपर प्लॉइडी में ट्राइजोमी, टू एन प्लस वन, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बने रहना लास्ट तक आप लोग। एन यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, एन यूप्लॉइडी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम का जो पूरा सेट है उसमें एक या दो क्रोमोजोम बढ़ जाए या एक या दो क्रोमोजोम नंबर में कम हो जाए, तो इसे हम एन यूप्लॉइडी कहते हैं। पूरा सेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक या दो क्रोमोजोम या तो इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसे हम एन यूप्लॉइडी कहते हैं। ये दो तरीका है, एक दो तरीके का है, एक तो है हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब कम होना, अगर किसी क्रोमोजोम के कंप्लीट सेट में एक क्रोमोजोम या दो क्रोमोजोम कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में दो हैं, एक तो है मोनोजोमी, अगर एक क्रोमोजोम कम हो रहा है 2N-1 से शो करेंगे तो ये मोनोजोमी है, अगर दो क्रोमोजोम कम हो रहे हैं तो इसे नलीजोमी कहते हैं, 2N-2। फिर लेते हैं हाइपरप्लॉइडी, अगर किसी क्रोमोजोम के कंप्लीट सेट में अगर एक या दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं तो फिर इसे कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। ट्राइजोमी, अगर एक क्रोमोजोम बढ़ रहा है तो फॉर्मूला आएगा 2N+1, इसे हम कहेंगे ट्राइजोमी, जिसकी डाउन सिंड्रोम है। डबल ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी का मतलब यह है कि दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं जो कि सिमिलर है, दो होमोलोगस क्रोमोजोम एक साथ नंबर में बढ़ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डबल ट्राइजोमी, इसे हम लिखेंगे 2N+2। नेक्स्ट लेते हैं, अगर दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं लेकिन दोनों क्रोमोजोम हिटरोलोगस हैं, डिफरेंट हैं, तो इसे हम टेट्राजोमी कहते हैं, 2N+1+1, मतलब दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, वो ये हिटरोलोगस हैं, तो 2N+1+1 से शो करेंगे और इसे टेट्राजोमी कहेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो हम कल करेंगे और कल की क्लास में चैप्टर 6 के रिवीजन को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो।